अगर आप चाहते हो कि आपको क्राउड से अलग चलना है, यू डोंट वांट टू बी वन ऑफ द क्राउड, आपको रॉयल एनफील्ड जो चलाते हैं, जो क्राउड है, जो सिग्नल पे रुकते हैं काफ़ी सारे रॉयल एनफील्ड, आपको अलग लगना है, तो आपके लिए एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि है ये है TVS की रॉनिन। हमने इसका एक फर्स्ट राइड रिव्यू लाया था फ्रॉम गोवा लॉन्च होने के पहले। अब ये हमारे साथ है फॉर कंसिडरेबल टाइम, मैं खुद इसको चला रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको बताऊँगा कि ये कितना वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, हमारे साथ है TVS की रॉनिन। ये रॉनिन का टॉप एंड वर्जन है, फुली लोडेड वर्जन है, जिसमें आपको ड्यूअल ABS मिल जाता है एंड यू गेट ऑल द कनेक्टिविटी फीचर्स, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स है। आपको हम बताएंगे सब कुछ ऑन द रॉनिन, बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं TVS रॉनिन के जो इंजन है, जो इसका इंजन पावर आउटपुट है उससे। रॉनिन को पावर करता है एक 226 cc सिंगल सिलेंडर इंजन। ये इंजन ऑयल कूल्ड एयर कूल्ड है, इसमें आपको 20 PS 20 PS का पावर मिल जाता है। खास बात यह है कि ये लॉन्ग स्ट्रोक नहीं है या ये शॉर्ट स्ट्रोक नहीं है, दिस इज़ अ स्क्वायर स्ट्रोक इंजन, इसको TVS स्क्वायर स्ट्रोक इंजन कहता है। और स्क्वायर स्ट्रोक इंजन की का जो बेनिफिट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मैं इसके आगे बात करूं तो आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि आपको ड्यूअल ABS के साथ में आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, जो मुझे इसका की जो इसका लुक्स में या इसके जो डायनेमिक्स में जो मुझे अच्छा लगा वो है इसका USD, जो इसका इन्वर्टेड जो अपसाइड डाउन शॉक अब्जॉर्बर्स हैं फ्रंट वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अलग लुक देता है इसको। और ये आपको याद दिलाएगा ऑफ द ट्रायम मोटरसाइकिल्स का जो TVS का लोगो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, ये ग्लो करता है। दिस इज़ बैकलिट, ये इसका जो वाइट LED लाइट्स है वो आपको मिल जाते हैं, अगेन काफ़ी एक क्लासी अलग लुक है। इसका जो इंडिकेटर्स है टर्न इंडिकेटर्स वो भी इट इज़ इन LED, तो एवरीथिंग इज़ LED ऑन द रॉनिन, काफ़ी सारा एक ध्यान रखा हुआ है। दूसरी खास बात है इसका जो 16 इंचेस का जो व्हील्स है, ये भी काफ़ी एक मीटी एक काफ़ी हैवी प्रोफाइल है, तो जो गाड़ी का लुक है, जो गाड़ी का प्रोफाइल है वो काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी मस्कुलर है और काफ़ी एक अटेंशन ग्रैबिंग है। इसके बाद में जो मुझे पसंद आई है वो है इसका जो एग्जॉस्ट नोट है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जॉस्ट का जो फिनिश है, जो इसका एग्जॉस्ट का मफलर है, वो भी एक काफ़ी अलग स्टाइल में अपस्वेप्ट वाला एक मफलर मिल जाता है। लेट मी स्टार्ट द बाइक एंड शो यू, यू नो, मेक यू हियर कि ये एक काफ़ी मीटी एग्जॉस्ट नोट आपको मिल जाता है। यू गेट अ वेरी इनफैक्ट अगर आप मुझे पूछो तो क्लास में इसके सेगमेंट में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव या एक डायनामिक एग्जॉस्ट नोट बोल दीजिए इसको। इसका जो राइवल है जो रॉयल एनफील्ड की हंटर है, यू ऑल्सो हैव द जावास, जो जावा फैमिली है वो भी इसे कॉम्पीट करती है अपने सेगमेंट में। डोमिनार भी एक थोड़े आसपास आता है जाता है, बट देन रॉनिन जो है इसका जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो एक स्क्रैम्बलर कम एक क्रूज़र बाइक है। आई डोंट नो अगर ये आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है। वंस द स्टाइलिंग ग्रोज ऑन यू, यू बिगिन टू लाइक इट, यू बिगिन टू फॉल इन लव विद इट। एक डिफरेंट, वेरी डिफरेंट एक कैची अपील है इसका। फिट फिनिश अगर आपको हमने बताया काफ़ी तगड़ा है। अगर आप इसका मेटल देख लो, इसका जो आप स्विच गियर है उसको देख लो, इसके मिरर देख लो, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये भी काफ़ी डिटेलिंग में है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है जो टॉप एंड वाला रॉनिन है, सो दिस कैन बी कनेक्टेड। तो ये आपको अगर आपका फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर आपको कोई फ़ोन कर रहा है तो ये आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देगा कि फ़ोन आ रहा है भाई आपको। आपका जो GPS है उसमें भी आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिलता है। लॉट मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड। और जो TVS का ऐप है जो मेरे जेब में मेरे मोबाइल में है, वो मुझे इसका डिस्टेंस टू MT, मेरा जो बैटरी का चार्ज, एवरीथिंग, इट शोज मी एवरीथिंग, नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है। सो इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव एंड समथिंग दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द राइडर्स एंड द ओनर्स। जो मुझे अच्छा लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं ये चला रहा हूँ द
रॉनिन, इसका जो कंफर्ट फैक्टर है, इसका जो एक यू नो सिटिंग का जो कंफर्ट फैक्टर है बोल दो, या जो राइड का जो पोस्टर है, वो काफ़ी एक यू नो इट हैज़ बीन ट्यून्ड, इट हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर द राइडर कंफर्ट। सीट का जो साइज़ है, ये एक स्क्रैम्बलर वाला सीट है, तो ये सीट छोटा होता ही है, बट देन जो राइडर का सीट का जो एरिया है, जो स्पेस है, वो काफ़ी सारा है। सिटिंग के मामले में आई एम 5'6" 5'7" और मेरे जो मतलब दोनों पैर हैं वो नीचे टच हो रहे हैं। इनफैक्ट एक पैर आपको टच करना है या फिर आपको दोनों पैर टच करना है, वो आपका राइडिंग स्टाइल के ऊपर है। हैंडल का जो हाइट है, हैंडल का जो एर्गोनॉमिक्स है, वो स्लाइटली रेज्ड है। अगेन आई टोल्ड यू कि ये एक स्क्रैम्बलर और एक यू नो क्रूजर के बीच में यू नो मिक्सड अप द डिज़ाइन लैंग्वेज, तो दैट्स हाउ इट इज़। मिरर का साइज थोड़ा छोटा है, दिस कुड हैव बीन अ बिट मोर बिगर, तो ये थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, अ बिट टाइनी, बट देन ठीक ही है। इंस्ट्रूमेंटेशन इज ऑल यू नो इन्फॉर्मेटिव, लेकिन इसका भी साइज कुड हैव बीन अ बिट मोर बिगर, बट नॉट मच। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग की वॉट कुड बी बेटर, बट राइडिंग के मामले में जो अगर मैं सीट में बैठूँ, कम्फर्ट के मामले में दिस इज परफेक्ट फॉर मी। और एक बात है कि जो रॉनिन का फुटपैग है वो भी एक काफ़ी कंफर्ट लेवल में इसको पोजीशन किया हुआ है, ना काफ़ी आगे है ना काफ़ी पीछे है जैसे होता है, ये एकदम बीच में है, तो दिस गिव्स मी अ कंफर्टेबल वेरी बैलेंस्ड वाला एक पोस्चर। रेयर प्रोफाइल के मामले में ये आपको एक इन्फ्यूज़ किया हुआ, एक इंसर्ट किया हुआ टेल लैम्प, ये भी LED है, तो ये अगेन आपको याद दिलाएगा ऑफ द डुकाटीज एंड द यूरोपियन बाइक्स, बट देन दिस इज़ वेरी वेल पुट थ्रू। इसका जो पीछे का मडगार्ड है, ये मुझे मेटल का लग रहा है, बिकॉज ये काफ़ी हार्ड है, और इसका जो शेप है ये बाहर आ चुका है, एंड जो इसका स्टाइल का जो एक मतलब रेयर प्रोफाइल का फिनिश करता है, एक यू नो इट गिव्स अ बिग इम्पैक्ट, वो है इसका टायर का प्रोफाइल। आपको काफ़ी वाइड 130 प्रोफाइल वाला 16 इंचेस का टायर मिल जाता है, दिस इज़ क्वाइट वाइड। दोनों टायर में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं विद मल्टी स्पोक ड्यूअल टोन वाले, जो डायमंड कट वाले एलॉयज है वो आ गए हैं बाइक में, तो दिस इज़ द फर्स्ट बाइक टू गेट द डायमंड कट एलॉयज। डिस्क ब्रेक तो है ही इसमें। ओवरऑल फिट फिनिश इज वेरी क्लासी, वेरी फ्लैशी, और जहाँ भी हमने बाइक पार्क किया, काफ़ी लोग आके पूछते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है, ये कैसी है, ये कितने की है। कितने की आपको मैं बता दूं कि ये 167 के आसपास, 1.67 लाख के आसपास आती है एक शोरूम द टॉप एंड वर्जन, एंड दिस इज़ द टॉप एंड वर्जन। जो रॉनिन का इंजन का हीटिंग है, जिसको हम थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। एफिशिएंसी मतलब जितना ये इंजन रन करता है, गर्म जो उसका हीट है, जो इसके वेपर है जो बाहर निकलते हैं, वो आपके पैरों पे कितना इफेक्ट करते हैं या वो राइडर को कितना इफेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मल एफिशिएंसी। तो उस मामले में आई हैव रिडन द बाइक टू द जिम वेयरिंग माई शॉर्ट्स, इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द शॉर्ट, बट देन इट मतलब जो इसका थर्मल एफिशिएंसी है, वो हीट काफ़ी इजीली डिसइंटीग्रेट कर देता है, इट डजंट हिट ऑन योर लेग्स। दूसरा जो बात है वो है इसका ABS का जो ड्यूल ABS का ब्रेकिंग है, वो भी टॉप क्लास है। राइड के क्वालिटी में ये A1 है, हाईली रिफाइंड इसका राइड क्वालिटी है। गियर रेशोज देख लीजिए, वो भी एक काफ़ी बैलेंस्ड इजीली स्पेस्ड आउट इसके गियर रेशोज हैं। 5-speed गियर है इसमें, आई थिंक 6-speed होना चाहिए था, बट देन आई एम श्योर TVS इज लिसनिंग, वो एक अपने नेक्स्ट अपडेट में इसको 6-speed करेंगे, दैट आई एम श्योर, बिकॉज द इंजन इज़ वेरी केपेबल। 6-speed इसमें गियर बॉक्स बनता ही है। इसके अलावा जो इसके गियर के रेशोज है वो ईजिली स्पेस्ड आउट है, बैलेंस्ड है, आउटराइड पावर नहीं है, बट यू गेट अ लॉट ऑफ पावर एंड टॉर्क, लीनियर पावर आपको मिल जाता है, यू कैन गो ऑन लॉन्ग राइड्स। एंड जो TVS और इनका की USP है, जो इसका बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट मेरे हिसाब से है, वो है इसका रिफाइनमेंट। द बाइक इज कम्प्लीटली वाइब्रेशन फ्री, जो कि इसका राइवल है, जो कि रॉयल एनफील्ड हंटर है, उसमें आपको वाइब्रेशन फील होता है ऑन द फुटपैग्स, ऑन द हैंडल, एट आइडल एंड एट हाई स्पीड्स ऑल्सो। इसमें आपको कम्प्लीटली एक आयर्नड आउट, एक यू नो एक चिल्ड आउट राइड मिल जाता है, वेरी रिफाइंड एंड वेरी केपेबल है ये TVS रॉनिन। जो मुझे अभी मतलब नेगेटिव अगर मैं पिकअप करूँ तो वो है इसका टर्निंग रेडियस। इसके स्टाइलिंग के वजह से, इसका डिज़ाइन के वजह से, इसका जो स्क्रैम्बलर कम जो इन्होंने एक क्रूज़र लुक बना दिया है, उसके वजह से इसका जो टर्निंग का रेडियस है वो थोड़ा कम है, तो आपको यू नो टर्न मारने के लिए या एक शार्प टर्न लेने के लिए आपको एक बार या दो बार आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन नेगेटिव जो मुझे यू नो महसूस हुआ इन माई लॉन्ग यूज़ ऑफ द रॉनिन।
आपको रॉनिन में स्लिपर क्लच मिल जाता है, तो स्लिपर क्लच आपको यू नो एवरी टाइम आप इंजन ब्रेकिंग करते हो, आप फिफ्थ गियर में हो, आपको सेकंड गियर में आना है, तो जो डाउन शिफ्ट्स है उसमें आपको काफ़ी एड करता है, सो दैट इज़ वन प्लस पॉइंट। और दूसरी बात है इसका जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है, तो लॉन्ग राइड्स पे या ट्रैफिक में या फिर जहाँ पे आप मतलब गियर ज़्यादा चेंज करते हो तो ये आपको हेल्प करेगा, आपको एड करेगा, आपको यू नो एक कम्फर्ट जोन में डालेगा। इसके अलावा जो है TVS रॉनिन, इसमें USPs काफ़ी सारे हैं, इसमें जो पॉजिटिव्स है वो काफ़ी सारे, नेगेटिव्स जो है कॉन्स जो है वो काफ़ी कम है जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं माइलेज की तरफ जो मुझे मिला है ऑन द बाइक। आपको मैं बता दूं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, जितना आपका फ्यूल है आपके टैंक में और आपकी गाड़ी कितनी जाएगी उतने फ्यूल में वो आपको बताता है। सो DTE का एक फीचर है वो काफ़ी एक हैंडी है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि आपका मीटर कितना जा रहा है, फ्यूल मीटर कितना है, लेकिन इसका जो एफिशिएंसी है जो मुझे मिला है इन सिटी राउंड अबाउट 36-37 किलोमीटर्स और हाईवेज पे राउंड अबाउट 44 एक कंबाइंड अगर पकड़ लो सिटी एंड हाईवे ट्रैफिक डेली कंडीशन में राउंड अबाउट 40-41 का आपको माइलेज मिलना ही है ऑन दिस 226cc TVS रॉनिन। TVS मोटर्स चाहता है कि आप रॉनिन को ऑफ रोड भी ले जाएं, ये एक स्क्रैम्बलर भी है, इसमें ड्यूअल पर्सनालिटी है, स्क्रैम्बलर एंड क्रूजर से मैं आपको बता रहा हूँ क्वाइट रिपीटेडली इन द वीडियो। ऑफ रोडिंग करने के लिए एडवेंचर के लिए आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए और आपको 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 180 इज क्वाइट गुड फॉर अ बाइक दैट यू यूज ऑन योर डेली राइड्स, तो 180mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ऑफ रोडिंग भी आप कर सकते हैं ऑन द रॉनिन। तो भाई ये था हमारा वीडियो रिव्यू, शॉर्ट डिटेल्ड वीडियो रिव्यू ऑफ द ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ द लिविंग विद द TVS रॉनिन वाला एक रिव्यू था। अगर आपको ये रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर ये रिव्यू आपको हेल्प कर रहा है इन योर बाइंग डिसीजन, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन भी हिट करना है। हमारा ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में, अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। दिस इज रितेश मधोक साइनिंग ऑफ विद द TVS रॉनिन। आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको एक दो मोड मिलते हैं, अर्बन मोड एंड रेन मोड्स। मैं अभी अर्बन मोड में हूं, आई डोंट नीड द रेन मोड। हियर आई गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।